मर गया है या जिंदा है। के टीजर को देखने के बाद ऑडियंस बहुत ही ज्यादा प्यार लुटा रहे हैं, साथ ही साथ उनके ऑडियंस के अलावा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शाहरुख खान 4 साल के बाद कमबैक किया है शानदार धमाकेदार टीजर के साथ पठान मूवी का। ये टीजर देखने के बाद खास करके सुनील शेट्टी भी अपना प्रतिक्रिया देते हुए नहीं थके। सुनील शेट्टी भी कहते हैं कि शाहरुख खान ने जो टीजर रिलीज किया है बहुत ही ज्यादा औसम है, शानदार है, बहुत ही ज्यादा गुड लुक है। शाहरुख खान के टीजर देखने के बाद ऑडियंस तो बहुत ही ज्यादा प्यार लुटाएंगे। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि सुनील शेट्टी का मानना है कि पठान जो टीजर रिलीज किया गया है, इस टीजर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शाहरुख खान इस मूवी में 1000 करोड़ आराम से कमाएंगे। आप क्या मानते हैं, सुनील शेट्टी क्या सही बात कहा है, और आप अगर उसकी ऑडियंस आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। आपको हम बता दें इस मूवी में शानदार तरीके से पठान, जॉन इब्राहिम और दीपिका ने अच्छा खासा रोल निभाया है। साथ ही साथ आप लोग अगर देखेंगे जॉन इब्राहिम और शाहरुख खान दोनों बराबरी टक्करी में हैं, और खास करके लोगों का यह मानना है कि सिद्धार्थ आनंद ने जो स्क्रिप्ट तैयार किया है औसम है। इस स्क्रिप्ट के तहत लोगों का मानना है कि शाहरुख खान बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे और बॉलीवुड का सोना जो पड़ा हुआ है वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे।